नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने SSC MTS का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका एप्लीकेशन स्टेटस किस प्रकार से आपको चेक करना है। घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस किस प्रकार चेक करोगे, आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका एडमिट कार्ड किस डेट को आएगा, और आपको किस प्रकार से देखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सर्वप्रथम आपको आना है मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको SSC डाल के सर्च कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको SSC डाल के सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे भाई ना, तो यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यह SSC की ऑफिशियल साइट होती है, इसी पर आप क्लिक करोगे तो SSC की जो ऑफिशियल साइट होती है, ऑफिशियल जो जानकारी जहाँ अपडेट किया जाता है, SSC की ऑफिशियल साइट पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ स्क्रॉल करते हुए लेटेस्ट अपडेट भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए आपको जो है लॉगिन यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने का आएगा और पासवर्ड। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करके आपको जो है अपना जो है कैप्चा कोड इंटर कर देना। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना। लॉगिन के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने आपकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो आपकी प्रोफाइल ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आपको जो है यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसकी ऑफिशियल साइड है, यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो और अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी आप गलती सुधार सकते हो। उसके बाद यहाँ रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पोस्ट रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन होता है जो भी SSC के कार होता है, तो यहाँ आपकी प्रोफाइल में अपडेट कर दिया जाता है। जितनी भी वैकेंसी आती हैं SSC के द्वारा, तो यहाँ ऊपर आपको चलती हुई दिखाई देंगी। आप यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे आना है आपको मल्टीटास्किंग टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार यहाँ एग्जामिनेशन 2023। यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको जो है अप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको अप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जो है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपका जो है पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है, सब कुछ आपका कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, आपका नेम दिखाई देगा, आपका फीस स्टेटस दिखाई देगा, आपका अटेम्प्ट दिखाई देगा, एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ एप्लीकेशन रिसीव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ सभी कुछ हमारा जो है कंप्लीट है। यहाँ से आप जो है इसे प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पर सभी कुछ आपको दिखाई देगा, तो आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर से, आपको जो आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1 सितंबर से पहले ही आपका 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ हमारा पेमेंट स्टेटस भी कम्प्लीट दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्त। यहाँ एप्लीकेशन रिसीव दिखाई दे रहा है आपको। कैंडिडेट नॉट वेरीफाई का मतलब कुछ नहीं, आपको जो है इसे कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है। आप आसानी से इसे आप चेक करके अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। आपका एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आपका जो एडमिट कार्ड स्टेटस है वो आपको 2 वीक पहले दिखाई देगा। इसी मंथ में आपका एडमिट कार्ड स्टेटस दिखाई देगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड स्टेटस जारी होता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्त। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्त।